हेलो टेंथ क्लास, टुडे वी विल लर्न बायोलॉजी चैप्टर वन गैशियस एक्सचेंज इन लेक्चर वन। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एटीपी एनर्जी जनरेट होती है सेल्स के अंदर और वो एनर्जी जो है वो फूड से असर करते हैं। अब सेलुलर रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एनर्जी बनने का सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, ये द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये जो होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड होता है, तो दैट बॉन्ड ब्रोकन बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ये टूटता है और जब ये टूटता है तो फिर क्या प्रोड्यूस होती है? एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या चीज़? एटीपी। अब एटीपी की एब्रिवेशन क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? किससे बनती है? फूड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? टूटता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी फिर क्या कर दी जाती है? ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफ़र की जाती है। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, दो काम होते हैं यहाँ पे जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है ना, यहाँ पे दो काम होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की बात करते हैं, रिस्पायरेशन, तो देर आर टू टाइप्स, कौन कौन सी है जी? एरोबिक है, और क्या है? और है हमारे पास एनएरोबिक और एनएरोबिक जो रिस्पायरेशन होती है, इसमें फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है पता है आपको? ये जो एरोबिक होती है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। क्लियर? अब रिस्पायरेशन, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। क्लियर? अब जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिस्पायरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, और ये जो होती है, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिस्पायरेशन होती है, तो इसको बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर? अच्छा, आगे हम बात करते हैं जी, ऑर्गेनिज्म गेट द ऑक्सीजन नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट नीडेड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स। अब ये क्या करते हैं? प्रोवाइड किसको करते हैं? प्रोवाइड टू सेल्स। क्लियर? सेल्स को ये देते हैं। अब उसके आगे क्या होता है प्रोसेस? द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोसेस के जरिए क्या होता है? ये ऑक्सीजन तो अपने अंदर लेके जाते हैं सेल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, और उसके बाद एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दी जाती है? निकाल दी जाती है, रिलीज्ड। क्या कर दी जाती है? ठीक है, ये जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर? अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन
इज टेकन आउट ऑफ द सेल्स एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द बॉडी, जिसम से बाहर निकाल दी जाती है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ही बनती है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस टर्म डेट एज गैशियस एक्सचेंज, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गैशियस एक्सचेंज, क्लियर। अच्छा, उसके बाद है ये तो हो गया गैसियस एक्सचेंज। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की, ये जो ब्रीथिंग जिसको आप बोलते हैं ब्रेथ प्रोसेस जो होता है, जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन द बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये था गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करना जिसम से, ये गैसियस एक्सचेंज है। लेकिन जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो क्या है, बहुत सारे लोगों को इसमें मिसकंसेप्शन है, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज जो है वो एक जैसा है। असल में गैसियस एक्सचेंज जो है ये द गैसियस एक्सचेंज इज पर्टेनिंग टू रिस्पायरेशन, बट ब्रीथिंग इज क्वाइट डिफरेंट। ब्रीथिंग का मतलब क्या है, आप हवा को क्या लेके जाते हैं, अंदर लेके जाते हो फेफड़ों में और वहाँ से क्या करते हो, ऑक्सीजन लेते हो। हम जब सांस लेते हैं तो हम हवा अंदर लेके जाते हैं, ना कि ऑक्सीजन। हवा अंदर लेके जाते हैं और हवा में से क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ठीक है। हवा में से हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और फिर वही हवा जो है हम सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, ठीक है। और उस हवा के ज़रिए हम क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑफ द बॉडी। ये प्रोसेस है ब्रीथिंग का, इनहेल एयर, क्लियर, वी इनहेल एयर टू गेट ऑक्सीजन, क्लियर, एंड we exhale air, exhale air to get rid of carbon dioxide, clear. This is all about the breathing process and respiration process.